लाइव टीवी एस प्लस द नंबर वन न्यूज चैनल। रसुआ क्षेत्र के कोटवारी प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी से हड़काकर पैसा लेने का मामला सामने आया है। बलिया जिले के रसुआ क्षेत्र के कोटवारी प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी से हड़काकर पैसा लेने का मामला सामने आया है। मामला रसुआ विकास खंड के कोटवारी गांव का है, जहां एक लाभार्थी शांति देवी पत्नी स्वर्गीय हीरा रावत का है। प्रधान पद के प्रत्याशी संजय कुमार एवं रोजगार सेवक के पति रमानंद सागर पर आवास में पैसा न देने, आवास का द्वितीय किस्त न देने की धमकी का मामला सामने आया है। शांति देवी ने खंड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। शिकायती पत्र में आरोप लगाया कि गांव के ही निवासी संजय कुमार एवं रोजगार सेवक के पति रमानंद सागर ने आधार कार्ड एवं फोटो कॉपी मांग कर ले गए हैं। कहा कि आवास दिलवा दूंगा, आवास का प्रथम किस्त आया तो संजय ने 10,000 लिया, वहीं रमानंद सागर ने 5,000 रुपया ले लिया, उसके बाद और पैसे की मांग करने लगे। न देने पर आवास का पैसा वापस करने एवं जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। देखना है कि खंड विकास अधिकारी द्वारा न्याय मिल रहा है या नहीं। बलिया से संवाददाता राघवेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। वही हमारा पर लिया करके गिरा दिया। मतलब रोजगार सेवक आपका 6,000 पैसा आपसे मांग रहे थे। हाँ। संजय पासवान कितना बता लिया? 10,000 संजय पासवान मांग रहे थे। क्या कह रहे थे वो लोग? पहले कि तुम ऐसा आदमी हो, ऐसा आदमी है, हमको दे दो, तुम्हारा मकान बन जाएगा। हाँ। हम कहे कि नहीं, जब सरकार के अनुसार हमारा पास हो गया। हाँ। तो हम बनाएंगे, हम कुछ तुम लोग के नहीं देंगे। हाँ, हाँ। लेकिन मांग रहे थे। हाँ, मांग रहे थे, दिए हुए हैं हम संजय पासवान के पैसा दे दिए आप। हाँ। 10,000। हाँ, सर्वे कर बात गिरा लला, सर्वे जब बात गिरा लला पूछा ला हम जाता 10,000 दे दिए हैं। इसको रोजगार सेवक को वो हो के 5,000 दे ले बनी दे दिए हैं। चलिए तो ये बताइए, जब आप पैसा इधर बांध रहे तो घर कैसे बनाएंगे बताइए? आप ही बताइए साहब, हमको कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो तुम डोरिया के चला जाएगी, ऐसे कह रहे थे। चलिए ले चलिए, डीएम साहब के सामने हम बात कर देते हैं। तो यार सब फोटो हमें खींचना, पैसा हमें भिजवाना है। हाँ। डोरिया आने के लिए लोग कह रहे हैं। हाँ। बंधा जाओगी तो फंस जाओगी तो पूरी बुरी हाल से, तो तुम्हारा दो बच्ची है क्या खाएगी, कैसे रहेगी? 8 बजे रात के हमके वो कागज ले गया, हमारा फोटो ले गया, हमारा आधार कार्ड ले गया, वो मुन्ना धोबी के बहनोई रोजगार सेवक। हाँ। पैसा मांग रहा है। पैसा मांग रहा है और आपने 6,000 दिया है। हमारा 6,000 का नौकरी है। हाँ। हमारा बच्चा है, जो बीबी हमारा है तो बच्चे लोग के देख रहे हैं, हम कह देंगे तो हमारा नौकरिया चला जाएगा। 6,000 दे लो और कुछ दे लो, 6,000 दे लो, 6,000 दे लो रोजगार सेवक को। अच्छा ठीक है, ऐसा है कुछ बनाए हैं घर। हाँ। चलिए हम फोटो खींचते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक, ओके। अपना नाम बताएं? शांति देवी। आपका क्या मामला है? हमारा आवास आज आवास पर लगोले वालों रोक घुस ले वालों घर से के ले ले संजय पासवान और क्यों? रामानंद सागर कहाँ हुआ? गरम सेवक काहे को घुस ले लान जा? अब काहे लियला ना लियला, हमसे मंगला ना लियला, 8 बजे रात के हम दिए नहीं। कहीं एप्लीकेशन दे ले बड़ू? हाँ। कहाँ हुआ? बलिया। बलिया। हाँ। मैं संतोष यादव, वीडियो रसला। सर कोटवारी का एक मामला है, जो कि दो वहाँ पे एक रोजगार सेवक के पत्नी वो रामानंद सागर और वो प्रधान प्रत्याशी संजय पासवान ने दो लोग उससे पैसे मांगे हैं, वो आपको दरखास्त भी दिए, इस पर आप सर क्या कर रहे हैं? वो शिकायत आई हुई है और रेडियो कोऑपरेटिव को जांच दी गई, अभी रिपोर्ट नहीं आई है, उनसे जल्दी जो जांच रिपोर्ट जो आएगी, दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।